وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. واجب الإكرام सामईन ओ मोहतरम, हर किस्म दी हमदो सना उस अल्लाह मालिकुल अल्लाम उल जलाले वली कराम वास्ते जो पूरी कायनात दा खालिक ओ मालिक है, जो इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर है, फआलुल लिमा युरीद है। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद है। जो मालिक असल तो कल्ला अबद तक कल्ला रहेगा और कल क़यामत दे दिन उस कल्ले वाहिदुल कहार दी बादशाहत होएगी। अनगिनत ला तादाद दरुदो सलाम आकाए दो जहां इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया हबीब खुदा महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम दी जाते तैयबात होन। साहबो और अजीज साथियों और बड़े ही अदब दिलायक सुनने वाली मुअज्जजात मुकर्रमात, मेरी माओ और मेरी बहनों, मैं अज दे अजीम शान खुतबा जुमा दे अंदर अल्लाह रब रहमान दी तौफीक दे नाल और मालिक दे फजलो करम दे नाल शोहदाए इस्लाम दे हवाले दे नाल चंद गुजारशात तुहाडे गोश गुजार करना चाहना। तारीख इस्लाम इस दे अंदर शहादतां दी बहुत लंबी फहरिस्त है। इस्लाम दी सरबुलंदी वास्ते अल्लाह दे नबियां नू भी शहीद कीता गया और नबियां दे मन्नन वालियां नू भी शहीद कीता गया और रौला इको ही है ला इलाहा इल्लल्लाह दा। शुरू तो लग गए कुफर और इस्लाम की जंग रही है और काफिर हमेशा मुसलमानों नू दबाम की कोशिश करता है। उसके बावजूद साड़िया मुहब्बत साड़िया दोस्तियां साड़िया यारियां कुफर दे नाल ने और उस दे कानून दे नाल ने और उन्हां दे रस्मों रवाज दे नाल ने। असी ओ ही पसंद करने हैं जो अज दा काफर पसंद करदा है। साडा रहन सहन साडा लिबास साडा खाना पीना कुफर के मुताबिक हो रहा है। जो उन्होंने तरीकेकार ने वो मुसलमाना ने अपना लेने
लेकिन खिदमत इंसानियत काफर ने अपनाई है, मुसलमान ने छोड़ दी है। उन्होंने साढ़े इस्लाम को सीखे है और अल्लाह ने ईमान वाले मोमना मुसलमाना वाजे तौर पर फरमाया ला तत्तखिज़ु अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। ए काफर जेड़े ने ए तुहाडे दोस्त हो सकदे, ए तुहाडे दुश्मन ही ने, तुहाडे यार ते बेली नहीं बन सकते। और इस कुफर ने बाबा जी आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम तो लागे जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी नू देख लवो, उन्हां दे नाल भी इस कुफर ने बड़िया ज़्यादतियां कीतियां। कुफार ने उन्हां नू भी बड़ा परेशान किया। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की जिंदगी ते नजर दौड़ाइए, मेरे खलील नू इन्हां ने अपनी तरफों जला दिता, मार दिता, पर इन्हां नू की पता मारन वालिया नालों बचान वाली जात डाढ़ी है। मेरे खलील नू भी इन्हां जनाब बड़ा परेशान किया। जनाबे मूसा अली सलाम की जिंदगी देख लो, कुफर ते इस्लाम का मुकाबला रहा। फिराउन ने कदम कदम पे अल्लाह दे नबी मूसा नू दबाम दी कोशिश की थी है, लेकिन जिन्ना लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह नू पकड़ लिया ना, उन्होंने हमेशा अपनिया जाना दे नजराने पेश किए ने, लेकिन कलमा ए ला इलाहा इल्लल्लाह नू नीचा नहीं दिखाया। एदी सरबुलंदी वास्ते अपनिया गर्दना कटवा दीतियां ने। हजरत ईसा अलैहि सलाम नू वेख लो, इन्हां अपनी तरफों सूली ते चढ़ा दिता है। रब ने अपने नबी नू अपने कोल जिंदा बुला लिया, उठा लिया। और इसे तरह आखिर अंदर मेरे और तुहाडे पीर मुर्शद आमिना बिलाल इमाम उल अंबिया हबीबे खुदा महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों नबूवत का ऐलान किया, कोहे सफा ते चढ़ के ते पहली दावत मेरे नबी ने यही दीती है ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अरब वल अजम, और तुसी अरबो अजम दे मालिक बन जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। इब्तदा अंदर इन्हां ने सिर्फ रद्दे अमल इन्हां दा अगो ए नहीं है, तबल्लका या मुहम्मद, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु तेरे माज अल्लाह हाथ टूट जान, तू सानू इस वास्ते जमा फरमाया है। इब्तदा अंदर इन्हां दा रद्दे अमल ए वे, इन्हां गया आपे कोई साल दो रौला पाएगा ते इहदा मामला खत्म हो जाएगा। पर जदों अल्लाह सुल जलाले वल इकराम ने इस्लाम नू इज्जत अता फरमाई है, इब्तदा इस्लाम अंदर देखो इस्लाम शहादतां दी दास्तान पेश करदा है। किते मेरे खबैब नू मक्के दे बाजारा अंदर सरेआम सूलियां ते लटकाया गया, किते मां सुनैरा दियां अखां अंदर सिलाइयां गर्म करके फेरियां गईयां, किते मां सुमैया नू ऊंटा ना बन के दो टुकड़े कर दिता गया, और किते जनाब बिलाले हबशी नू ततियां रेतां ते लटाया गया। मक्के दे नुकीले पत्थरां दे मेरे बिलाल नू घसीटिया गया, और किते मेरे महबूब पैगंबर दे जानसारा नू शहीद कीता गया, और मेरे आका अली सलातो वसलाम दे असहाब ते जुलम दी इंतहा इन्हां कर दीती है। पर इन्हां ने जदू कह लिया ना कालू रब्बुन अल्लाह, फिर ओदे ते डट गए ने, मजबूत हो गए ने। आइए लोगो जरा रब्बुल आलमीन दा कुरान सुनिए। अल्लाह सुल जलाल फरमांदे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने ऐलान फरमा दियो, फरमाया हुआ मान ना कमू मिन हम इल्ला अयु मिनु बिल्लाहिल अजीजिल हमीद अल्लाजी लहू मुल्कु समावात वल अर्ज वल्लाहु अला कुल्ले शैइन शहीद।
अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ए लोग जेड़े मुसलमाना दे कोलो इंतकाम लेंदे ने बदला लेंदे ने इना मुसलमाना दा और कोई गुनाह नहीं इना दा गुनाह इको ही है बिल्लाहिल अजीजिल हमीद इना दा अपने रब ते ईमान है इना ने कलमा तैयबा दा इकरार कर लिया है इना ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है अल्लाजी लहू मुल्कु समावात वल अर्ज़ी है ओ साहब दा कलमा पढ़िया है उस रब नू सजदा कीता है जेड़ा जमीनो आसमान दियां हुक्मरानियां करन वाला है जेड़ा जमीन आसमान दियां बादशाहियां करन वाला है वल्लाहु अला कुल्ल शैइन शहीद अल्लाहु अकबर कबीरा इस्लाम दी सर बुलंदी वास्ते अंबिया ने ते नबियां दे मनन वाले ने अपनियां जवानियां कुर्बान कर दीदियां ने मेरे पाक पैगंबर सलातो व सलाम मक्के दे अंदर इन्हां मुशरिकीन ने मक्का ने मेरे नबी नू बड़ा ही परेशान कीता है मेरे आका नू इन्हां बड़ा सताया है ते रब्बुल आलमीन ने मेरे नबी नू हिजरतां दा आर्डर दे दिता है जदों इन्हां मेरे नबी दे कतल दा मनसूबा बनाया ना अल्लाह फरमांदे ने वा इज याम करो बे कल्लाजीन कफरू ले युसबतू का औ याकदलू का औ युखरजू का वा याम करू ना वा याम करुल्लाह वल्लाह खैरुल माकिरीन ने मेरे नबी नू कतल करन दा मनसूबा बना लिया है आंदे ने या इनू कैद कर दियो या इनू जला वतन कर दियो या इनू कतल कर दियो मैं तफसील अंदर नहीं जाना चाहुंदा मेरे पाक पैगंबर सलाम नू अल्लाह ने हिजरत दा आर्डर दे दिता है ते बैतुल्ला ना मेरे नबी नू मुहब्बत नहीं है प्यार इना है जदों अपना घर छड़िए ते पता ते ओनू हुंदा है जेड़े साडे बजुर्ग पाकिस्तान ते इंडिया जनाब जदू बने है इन्हां दी हदबंदी होई है जेड़े लोग साडी तरफ आए या इधरों उधर गए उन्हां नू अज भी अपने घर याद आउंदे ने अज भी उन्हां नू अपनियां जायदादां अपने भैन भरा याद आउंदे ने ओ यार अपना घर छड्डना ते औखा नहीं ते फिर घर भी रब दा बैतुल्ला जिते होए उस इलाके नू छड्डना सौखा दे नहीं ना मेरे पाक पैगंबली सलाम निकले ना ते अंज बैतुल्ला ते नगावा मेरे नबी ने गढ़ लिया ने ते मेरे आका फरमांदे ने ओए बैतुल्ला चांदा सी दिल एते पढ़दा नमाज़ा मैं चांदा सी दिल एते पढ़दा नमाज़ा मैं लोकां दे कन्नी पांदा नेक आवाज़ा मैं पर तेरी औलाद नायू नेक खमीर दी मुड़ मुड़ पे वेकन नाले हंजू ने केरिया मौला ने चुक लिया रिजक दिया ढेरिया करसा ना करसा फिर सियारत तेरिया मौला नू मालूम है सीए ए बांद तकदीर दी चोक मदीने वाले मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ लै जांदे ने ते इना मुशरिकीन मक्का ने कुफारे मक्का ने मेरे नबी नू उत्ते भी आराम दे नाल नहीं बैठन दिता मेरे नबी नू इना ने उत्ते भी चैन नहीं लैन दिता पहली सलाम दी जंग बदर होई है और लोगों ये याद रखो पहले मुसलमान थोड़े सन कुफार ज्यादा सन आज मुसलमान ज्यादा है काफर थोड़े ने लेकिन वजह की है उदू 313 हजार ते गालिब सन
आज मुसलमान ज्यादा ते मगलूब वजह की है असा दीन छोड़ दिता असी मुत्तहिद नहीं रह सकते मुत्तफिक नहीं रह सकते उदू थोड़े सन अल्लाह फरमांदे ने कामिल फियातिन कामिल फियातिन कलीलातिन गालाबद फियातन कसीरतम बेइज़निल्लाह वल्लाहु मा सबरीन थोड़िया जमातां वड़िया जमातां ते गालब आ जांदियां ने रब दे हुक्म ना वजह की है इन्हां लोगां ने रब दा दामन नहीं छोड़िया इन्हां लोगां ने दीन दी सरबुलंदी वास्ते अपनियां जानां दे नजराने पेश कर दिते ने अल्लाह अकबर कबीरा जंगे बदर होई ना ते काफरां दे बड़े बड़े सूरमे इन्हां मुसलमानां ने ढा दिते ने इन्हां नूं कतल कर दिता है ते इन्हां नूं हुण ठंडा ते नहीं ना कढ़दा कि इन्हां दे बड़े बड़े चौधरी जंगे बदर अंदर इन्हां नूं कतल कर दिता गया है और अल्लाह जुल जलाल ने फतह अता फरमा दिती है अपने पैगंबर नूं अल्लाह अकबर कबीरा इन्हां और तड़ी लाई अगले साल भाई तुहाडे नाल नहीं बढ़ांगे उहद दा मैदान सजिया उहद दा मैदान सजिया ते मेरे पाक पैगंबर सलातो व सलाम दे सहाबा मैदाने उहद अंदर पहुंचे और दुनिया अंदर बंदा मौत दी खाश कर सकता नहीं कोई बंदा मौत दी खाश नहीं कर सकता लेकिन एक मौत ऐसी है जिन्हों शहादत दी मौत कहा जाता है जिदी खाश खुद आमिना बिलाल मुहम्मद भी कर दे रहे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका ए दी खाश कर दे रहे अल्लाह दे नबी फरमांदे ने सुम्मा ओहिया सुम्मा ओकतल सुम्मा ओहिया सुम्मा ओकतल अल्लाह मिनू जिंदा कीता जाए अल्लाह मिनू का दोबारा शहीद कर दिता जाए और एक और मजे दी हदीस मेरे आका फरमांदे ने जदू जन्नत अंदर सारे लोग जानगे ते कोई बंदा भी जन्नत विचों वापस आउन दी खाश रखदा ओ जिहनू जन्नत लभ जे ओनू की लोड़ है दुनिया ते आउन दी लेकिन शहीद ऐसे ने जिन्ना दी खाश अल्लाह दोबारा दुनिया ते भेज ते तेरे राह अंदर अपनी गर्दन कटवा के आइए मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदाने ओहद सजिया ना ते मेरे नबी दे सहाबा मैदाने ओहद अंदर पहुंचे ते दो मेरे नबी दे यार ने एक हजरत साद बिन अबी वकास ते हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ए दो मेरे नबी दे यार ऐसे ने ए इंज पहाड़ दी ओड़ अंदर बैठे ने ते रात दी तरी गई है ते आपस अंदर आंदे ने यार अल्लाह ने टाइम दिता के रब को दुआ ही कर लईए मैं अपनी दुआ मांगना ते तू आमीन गई दूसरा आंदा मैं अपनी दुआ मांगना ते तू आमीन गई अल्लाह अकबर कबीरा ओ यार जिन्ना ने सलाम दी सरबुलंदी वास्ते अपनियां जानां दे नजराने पेश कीते ओना ने अपना ताल्लुक रब ना जोड़िया है ओना ने अपना ताल्लुक अर्श वाले रब नालो तोड़िया नहीं है और वैसे कुरान भी कहिंदा है अल्लाह फरमांदे ने यार अय्यो हल्लाजीना आमनु इज़ालकी तुम आतन कसीर अल्लाह अल्लाह गुम तुफले हो अल्लाह
अल्लाह फरमांदे ने ईमान वाले हो जदू तुहाडा काफरां नाल मुकाबला हो जाए दुश्मनां ने इस्लाम दे सामने तुहानू खड़िया होना पै जाए फी आतन फसबुदू फिर डट के मुकाबला करना है साबत कदम रह के मुकाबला करना है अपने पीछे इन्हू पीठ नहीं दिखानी मुड़ना नहीं ते नाल गल याद रखनी है वाज़कुरुल्ला मुकाबला भी करना ते नाल रब नू पुलाना रब नू पुलाना नहीं वाज़कुरुल्ला कसीर अल्लाह अल्लाह गुण तुफले अल्लाह फरमांदे ने तुहां कसरत दे नाल रब दा जिक्र करना ताके तुसी कामयाब हो जाओ ताके तुसी फला पा जाओ अल्लाह अकबर कबीरा मेरे पाक पैगंबर दे दो यार इंज बैठे ने जनाबे साद बिन अबी वकास ते जनाबे अब्दुल्ला बिन जहाश रजी अल्लाह तआला अनु पहला जनाबे साद दुआ करदे ने ते अब्दुल्ला बिन जहाश आमीन आंदे ने यार वेखिए ना दा जज्बा इना दी सलाम ना मुहब्बत वेख लई इना दी नबी पाक ना इना दा प्यार वेख लई अज दुआ नबी दे यार ने अपने अपने हाथ झुके ने ते हजरत साहब दुआ करन लगे ने आंदे ने अल्लाहुम्मा इजा लगी तो लादुआ खदन फलाकिनी रजुलन शदीदन बासो शदीदन मारा दू कल मेरा इस्लाम दे दुश्मनां दे नाल आमना सामना होना है अल्लाह जेड़ा मेरे मुकाबले अंदर जेड़ा काफर आए अल्लाह ए बड़ा बहादुर होए अल्लाह ए बड़ा मालदार होए अल्लाह ए बड़ा जंगजू होए अल्लाह जदू मेरे मुकाबले अंदर आए ते अल्लाह मैं इनू अपनी तलवार दे नाल एदी गर्दन ओड़ा देवां अल्लाह मैं इनू जहन्नम वासल कर देवा अल्लाह फिरे दा माल मैं माले गनीमत जमा करके सारा इकट्ठा करके तेरे नबी दे कदमा विच रख देवा ए दुआ जनाबे साद बिन अबी वकास ने की दी है ते मेरे अब्दुल्ला बिन जहाश आमीन आंदे ने ते जनाबे अब्दुल्ला बिन जहाश हुन दुआ करन लगे ने ओ यार ते मुहब्बत अपनी अपनी अकीदत अपनी अपनी अपने अपने दिल दी तमन्ना है हजरत अब्दुल्ला बिन जाह दुआ करन लगे ने आंदे ने अल्लाहुम्मा रज़ुकनी गदन रजुलन शदीदन बासो शदीदन मरदू युकातिलुनी वा उकातिलु फीका सुम्मा यक्तुलुनी वा याखुज़ुनी फयजदाउ अनफी वा उज़ुनी हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश ने हाथ उठाए ने ते आंदे ने अल्लाह मेरा कल दुश्मना ने सलाम दे नाल मुकाबला होने वाला है अल्लाह तेरे दुश्मना दे सामने मैं खलोना है अरशा वाले रब्बा जेड़ा काफर मेरे मुकाबले अंदर आए अल्लाह ए बड़ा बहादुर होए बड़ा जंगजू होए ए अल्लाह ए अपनी तलवार ना मेनू शहीद कर देवे मैनू जख्म देवे अल्लाह अपनी तलवार ना वार करे ते मेरी गर्दन तन दो जुदा कर दे एथे ही बस नहीं अल्लाह ए मेरी लाश दा मूसला करे मेरा नक कट ले मेरे कान कट ले मेरी आँखां कट ले ते कल के आमन दा दिन होए ते मैं अपना कटिया फटिया जिसम अपने असा लै गए तेरे दरबार अंदर हाजिर होवा ते अल्लाह तुसी मैनू पुछो अब्दुल्ला ए की लेके आया ए ते मैं कहां अल्लाह मैं तेरे दीन दी खातर अपने जिस्म दा अंग अंग कटवा के आया वा अल्लाह तेरे दीन दी सर बुलंदी वास्ते अपने जिस्म दा एक एक उज़ कटवा के आया वा ओ यार ए मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा फिर रब्बुल आलमीन ने इन्हां नबी दे दुआ यार
ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਫ ਬੇਹਰਫ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਿਆ। ਸੁਬਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਦਾਨੇ ਉਹਦ ਸਜੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਦਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਾ ਜੋੜਿਆ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਸਾਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਵਕਾਸ ਗੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਇੰਜ ਸਾਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਵਕਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੜੇ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸਾਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਵਕਾਸ ਨੂੰ ਤੀਰ ਪਕੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਦ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਮਿਆ ਸਾਦੋ ਫਿਦਾ ਕਾ ਅਬੀ ਵਾ ਉਮੀ, ਇਹ ਰਮਿਆ ਸਾਦੋ ਫਿਦਾ ਕਾ ਅਬੀ ਵਾ ਉਮੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਦ ਚਲਾ ਤੀਰ ਨਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਤੀਰ ਬਰਸਾਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਜਨਾਬੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜਹਸ਼ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜਹਸ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਏ। ਇੰਜ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਨੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਮਾਂ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ, ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮੂਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਵਕਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੁਰਾ ਤੁਸਾਂ ਹਰਫ ਬੇਹਰਫ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਈਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ, ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੰਗੇ ਉਹਦ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਰ ਬਿਨ ਜਮੂ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਇਹ ਮਜ਼ੂਰ ਸਹਾਬੀ ਨੇ, ਲੰਗੜੇ ਇੱਕ ਲੱਤੋਂ ਮਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਨੇ ਉਹਦ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਪੰਜਵੇਂ, ਇੰਜ ਰਾਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਬਾ ਜੰਗ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਫਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਵਲੀਮਾ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣਾ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਖਾਣਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਖਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ, ਕੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ, ਦਸਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸੁਬਾ ਜੰਗ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਰ ਬਿਨ ਜੰਮੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੁੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਹਾਦ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜੰਗ ਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੂੰ ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੰਗ ਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਰ ਬਿਨ ਜਮੂ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਮਹਬੂਬ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਲੰਗੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਖਲ ਹੋ
जावां। अल्लाह दे नबी जी मैनू इजाजत दे दिओ, मेरे पाक पैगंबर ने इजाजत दे दीदियां। हजरत अमर बिन जमू दा जज्बा वेख गए ते यार गल बड़ी सुनन वाली है, अपने घरों निकले ना ते अपने घर की कुंडी नूं पकड़ लिया, दरवाजे की कुंडी नूं पकड़ लिया ते अमर बिन जमू ने हाथ चुक ले अर्श वाले रब नूं आंदे ने, ए अर्श वाले रब्बा अल्लाह उमर सुकनी शहादतन, अल्लाह उमर सुकनी शहादतन वला तरुद्दनी इला अगली खाइबन, ए अर्श वाले रब्बा मैनू शहादत दी मौत दे दे ते अल्लाह मैनू दोबारा मेरे घर वापस ना लुटाना। अल्लाह मैं वापस इस वेड़े नहीं आना चाहता। मैदान जंग सजिया, अमर बिन जमू शहीद हो गए ने, रब ने दुआ कबूल की थी। इन्हां दी मैयत नूं उठाया गया, सवारी ते लदया गया कि मदीने जाके दफन करने आ, ते सवारी नूं मदीने वल मोड़ देने ते सवारी टुरदी नहीं, सवारी चलदी ही नहीं। मेरे महबूब नूं पता लगा, फरमाया अमर ने कोई दुआ ते नसी कीती। सोनिया अमर बिन जमू ने एक दुआ की दी सी, ओ दुआ ए वे अल्लाह उमर सुकनी शहादतन वला तरुद्दनी इला अगली खाइबन, अल्लाह मैनू शहादत दी मौत दे दे, अल्लाह मैनू दोबारा मेरे घर विच ना वापस लौटाना। ते मेरे आका फरमांदे ने इनू इत्थे ही दफन कर दिओ। रब ने अमर बिन जमू दी दुआ नू कबूल फरमा लिया है, इनू इत ही दफन कर दियो। और यही जंगे ओहा दे मेरे पैगंबर की एक जान सार सहाबी है, जिदा भाई भी शहीद हो गया, जिदा बेटा भी शहीद हो गया, जिदा खावंद भी शहीद हो गया। इनू पता लगा ना आमीना दे लाल दे बारे कि अल्लाह दे नबी नू शहीद कर दिता गया। ए बीबी मदीने दौड़ ला देंदी है, अल्लाह दे नबी दे सहाबा वापस मदीने वल जा रहे ने, आंदी है वे दसो आमीना दे लाल दा हाल की है। आंदे ने बीबी अल्लाह दे नबी ते ठीक ने, तेरा भाई शहीद हो गया। कहिंदी है अलहम्दुलिल्लाह, फिर थोड़ा जागे जांदी है और लोगों ना मुलाकात होई, आंदी है वे दसो आमीना दे लाल दा हाल की है। आंदे ने बीबी आमीना दे लाल ठीक ने, तेरा बेटा शहीद हो गया। कहिंदी है अलहम्दुलिल्लाह, फिर थोड़ा जागे जांदी है, फिर काफले लो वाले लोग आ रहे ने, आंदी है वे दसो मेरे नबी दा हाल की है। आंदे ने बीबी आमीना दे लाल ठीक ने, तेरा खावन शहीद हो गया। अपनी जबान चो आंदी है अलहम्दुलिल्लाह, इंज जा रही है सामने आमीना दे लाल अली सलाम दे चेहरे पर अनवार दे दियां नजरां पईयां ना, तेरे नबी दा चेहरा वेख के आंदी है, आंदी है गुल्लो मुसीबत दिल बादा का जाला लुन। ए महबूब सोनिया, तुहाडा चेहरा वेख गया ते रब ने सारे गम ही मिटा दिते ने। सोनिया तुहाडा चेहरा वेख गया, रब ने सारे गम ही मिटा दिते ने। और बाबा जी ने बड़ी प्यारी गल की दी, आंदे ने खबर शहादत पाग नबी दी, खबर शहादत पाग नबी दी। सुनिया जिस दम आई लक बन पटका हद डंगोरी, बदला लैन ओ आई किसे गया माई बचड़े तेरे ओना शहादत पाई। कहन लगी अलहम्दुलिल्लाह होया ए फजल इलाही, ओ कैसी घड़ी मुबारक है सी जिस दे अंदर जाए, अल्लाह दी दे ते मैं चा पाले अज कम नबी दे आए।
मैं ते रब दा शुक्रिया अदा पई करनी आ कि मेरे बेटे मेरा खामद मेरा भाई अज नबी दे काम आ गए ने। इस्लाम दी सरबुलंदी वास्ते जिन्ना ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया इस्लाम दी सरबुलंदी वास्ते उन्हें अपनियां जवानियां कुर्बान कर दीदियां ने, उन्हें ने अपनियां नजाना दे नजराने पेश कर दीते ने। ते जदों इन्हां नौजवानां ने इस्लाम दे खातर अपनियां जवानियां अपनियां जवानियां कुर्बान कर दीदियां, ऐसे मैदान ओहद अंदर मेरे नबी दा चाचा सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं भी शहीद कर दिता गया है, जिन्हां नूं सैयद शुहादा दा लकब मिलिया। वो शहादत दी मौत दी तमन्ना ते मेरे उमर भी कर दे रहे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने मक्कियों वापस आ रहे ने, दे राह अंदर इंज रात दियां तरीकियां उमर ने इंज पड़ो डाले है, ते चौदवी रात दा चन चढ़िया। उमर ने अपने सराने इंज कई करिया कठियां करके सराना आसमान दे चन वल वेंदे ने, ते अरशां वाले रब नाल गल्लां करदे ने, आंदे ने अल्लाहुम्मा कबूरत सिनी वाजाओ वद बुआदी। अरशां वाले रब्बा उमर दी उम्र लंबी हो गई है, अल्लाह उमर दियां कुमता माद पै गईयां ने, अल्लाह उमर कमजोर हो गया है। अल्लाह तेरा उमर तेरे को शहादत दी मौत मंगदा है, अल्लाह उमर सुगनी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक। ए अरशां वाले रब्बा उमर नु शहादत दी मौत दे दे, अल्लाह नबी दे शहर विच दे दे। ते नाल सोच देने उमर तेरा नाम सुन के ते कैसरो किसरा भी कम जावे, उमर कौन है तेनू जरा शहीद कर दे वे। ते मेरे उमर ने दुआवां की दिया तमन्ना की दिए, अर्श वाले रब ने कबूल फरमा लिए। अल्लाह ने उमर नू शहादत दी मौत भी दी दिए, ते नबी दे शहर अंदर ते नबी दे मुसल्ले ते दी दिए। अल्लाह हु अकबर कबीरा। आइए लोग जरा गौर फरमाना, मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ते जदू इन्हां अपनियां जवानियां रब वास्ते कुर्बान की दिया, फिर अल्लाह ने इन्हां शुहादा वास्ते इनाम की रखिया, अल्लाह ने इन्हां नूं अज़ाज की अता करना है। जामे तिरमिज़ी दे मिश्कात दे अंदर रवायत आउंदी है, मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, हजरत मिकदाद बिन मादी कारूबा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु सदील दे ने मेरे आका फरमांदे ने, लिशहीद इंदल्लाह सिद्दो खसालन। मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह ने शहीद वास्ते 7 आजाद 6 आजाद अल्लाह ने शहीद वास्ते रखे ने, 6 खसलदा 6 फजीलदा शहीद वास्ते। अल्लाह दे नबी केड़ियां केड़ियां? मेरे आका फरमांदे ने पहली खसलत एवे, पहला आजाद शहीद वास्ते एवे। आका फरमांदे जेड़ा बंदा खालिस रब वास्ते लड़दा, खालिस रब वास्ते अपनियां जानां कुर्बान कर देंदा है, मेरे आका फरमांदे ने शहीद दे खून दा पहला गदरा जमीन ते डिगदा, रब दी जिंदगी दे गुनाह माफ कर देंदा। पहला आज़ाद खून का कतरा जमीन पर डिगया, रब ने जिंदगी दे गुनाह माफ फरमा दिते, लेकिन कर्ज माफ। पिछले खुतबा अंदर मैं दसिया सी ना, मेरे आका अली सलाम को एक बंदा आया, सोने आ मैं रब दे दरबार अल्लाह दे नबी मैं मैदान जंग अंदर जावा, डट के मुकाबला करा ते जावा भी सवाब की नीयत ना, कोई भी अमल है
ओदी नीयत सवाब दी होनी चाहिए है। क्यों? इन्नमल आमालु बिन्नियत, हर अमल का दारो मदार ओदी नीयत है। जो नीयत होगी ओ रब को सिला पा लवेंगे। मेरे आका अली सलाम को लाया, सोने शहीद हो जावा, रब मेरे जिंदगी दे गुनाह माफ कर देगा? फरमाया हां कर देगा। चला गया ते मेरे आका अली सलाम फरमाते ने इन्हू बुलाओ भैया, जेड़ा बंदा आया सी बुलाया गया, की सवाल कीता ही? सुनिया ए गया, मैं खालिस रब की रजा वास्ते लड़ा, डट के लड़ा, सवाब की नीयत ना लड़ा, शहीद हो जावा, रब मेरे गुनाह माफ कर देगा? फरमाया कर देगा, इल्ला दईन, मगर कर्ज रब माफ करना नहीं। ते नाल मेरे आका फरमाते ने गल सुन, सारा नी जिबरील आने फा, हुणे मैनू जबरील दस पे गया कि सोने इनू दसो सारे जिंदगी दे गुनाह माफ ने पर कर्ज माफ नहीं। मेरे आका फरमाते ने पहला खून का गदरा जमीन दे डिगदा, रब्बे दी जिंदगी दे गुनाह माफ फरमा देंदे ने। नंबर दो मेरे आका फरमांदे ने वायरा मकादाऊ मिनल जन्ना वायुजारु मिन अजाबिल कबरी। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने एदा टिकाना एदी शहादत दे वेले रब इनू जन्नत अंदर दिखा देंदे ने, ते नाल अल्लाह इनू अजाबे कबर तो महफूज रखदे ने। अल्लाह अजाबे कबर शहीद नू नहीं देंगे। नंबर तीन मेरे आका फरमांदे ने वाया अमानु मिन अल फजाइल अकबर, अल्लाह जुल जलाल तीसरा आजाज जेड़ा शहीद हुंदा रब दे दरबार अंदर रब दे राह अंदर, अल्लाह नू तीसरा आजाज देंगे के क्यामत दी सब तो बड़ी घबराहट तो अल्लाह इनू महफूज रखेंगे। ओ लोग कौन ने जिन्ना ने कह लिया इन अल्लाज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू तदनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा वला गुम फिया मा दश्ताही अन्फुसुकुम वला गुम फिया मा तद्दाउन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह फरमांदे ने जिन्ना ने कह लिया साडा रब, ओ जिन्ना दा अल्लाह बोलो साडा रब अल्लाह है, सुमस्तकामू फिर ओदे ते पक्के हो गए डट गए। अल्लाह सुल जलाल फरमांदे ने इन्हां नू इनाम की मिलेगा कयामत दा दिन होएगा। अल्लाह दखावू वला तहज़नू इन्हां नू रब दे दरबार अंदर किसे किस्म दा खौफ नहीं होएगा, किसे किस्म दी इन्हां नू परेशानी नहीं होएगी। ते अर्शा वाला रब गएगा नहनु औलिया उकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखरा, और तुसी दे दुनिया दे अंदर भी मेरे बेली आखरत अंदर भी मेरे दोस्त हो। ए अर्शा वाले रब्बा इनाम की है, फरमाया वाला गुम फिया मा तश्ताही अन्फुसुकुम वाला गुम फिया मा तद्दाऊ और दुनिया दे तुसा अपनिया ख्वाहिशात नू तरक कीता मेरी खातर। अज मैं रब तुहानू एहसास दे रहा जो तुहाडियां ख्वाहिशां ने मैं रब जन्नत अंदर पूरियां कर देवांगा। आगा फरमांदे ने क्यामत दी घबराहट को अल्लाह इन्हां नू महफूज रखेगा। ते नंबर चार
وَيُوزَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. میرے آقا فرماندے نے اللہ دے سر تے عزت والا وقار والا ایسا تاج پہنان گے جدے موتی یاقوت دے ہون گے تے ایک یاقوت دا موتی جیڑا میرے نبی فرماندے نے دنیا تے جو کچھ اے دے اندر موجود ہے میرے آقا فرماندے نے ساری دنیا نالوں وزنی تے بہتر تے زیادہ قیمتی جنت دا یاقوت موتی ہے ایدہ جڑائے نو تاج پہنایا جانا ہے تے نال میرے آقا فرماندے نے وایو سب واجو سنتین و سبعین زوجۃ من الحور العین. آقا فرماندے نے پنجواں آزاد دے واسطے ایوے کہ اللہ ذل جلال ادا 72 حوراں نکاح کر دیں گے. تے اج دنیا تے اسا اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے بھن دا کرنا ہوئے تے سو کھیکن کرنے ہیں ہے ادھے کو گڈی ہے کہ نہیں ادھے کو کوٹھی ہے کہ نہیں اے کردا کی اے کماندا کی اے چیزاں سی وینے ہیں نا اے تے کدی اساں ویکھیا ہی نہیں اے نمازی بھی ہے کہ نہیں اے تے کدی اساں ویکھیا ہی نہیں اینے سنتے رسول بھی چہرے تے سجائی ہے کہ نہیں اے چیزاں اساں نہیں ویکھیاں اسی وینے ہیں ادھے کو مال کنے ہے اور تو ایک بیٹی دا رشتہ کرنا ہے تے سو نخرے کرنے ہیں تے جس رب نے 72 دینیاں نے انہیں ویکھنے ہی کچھ نہیں انہیں بھی کچھ ویکھنا ہے تو کر کے کیا ہے انہاں واسطے کیتا کیا. اور میرے آقا فرماندے نے جنت دی حور او دا دوپٹا زمین دے لہرا دیتا جائے اللہ ساری زمین نو روشن کر دے جنتی حور گردن لمبی نازک پتلی. حافظ محمد لکھوی سب کو رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا ترجمہ کیتا آندے نے گردن لمبی نازک پتلی جو کر گردن مورا گردن لمبی نازک بدلی جو کر گردن مورا آواز بریک لطیف جو کوئل ساون وچ چکورا اچانک عجائب پتلا وچ بولاگ سہاوے کنگن کڑیاں موتی لڑیاں تے زیور با لکاوے انگلیاں سب زیور بریاں وانگ رواواں پھلیاں قد عجیب غریب جو پتلا جوں کر چمبے کلیاں تے مل اونا دا دنیا اندر سبحان اللہ مل دنیا دے حکمر دنیا تے ادا کر کے جانا ہے مل اونا دا دنیا اندر عطا دا ذکر الہی رب رسول نو کریے راضی چھوڑ فساد منائی. میرے آقا فرماندے نے اللہ دا 72 حوراں نکاح کرن گے تے نال میرے محبوب میرے نبی فرماندے نے وایو شفاو فی سبعین من اقربائی. آقا فرماندے نے اے اپنے خاندان رشتہ دار 70 جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے انہاں دی سفارش کرے گا اللہ انہاں نو جنت دا داخلہ عطا کرے گا. اور اسلام دی تاریخ شہادتاں دی داستان پیش کر رہی ہے جس طرح میں ابتدا اندر دسے ہے وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید کہ مسلمانوں دے کولوں
कुफार इंतकाम ले रहे हैं। वजह की है कि इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े है। और ऐसे तरह वेखो कश्मीर साढ़े भाई साढ़िया बहन 1947 अंदर 23 जुलाई नू श्रीनगर के अंदर जड़ी करारदाद मंजूर हुई है और एक जरनैल अंग्रेज जरनैल औरत जड़ी सी लेडी मूट बटन जी का नाम है इन्हें जवाहरलाल नेहरू के नाल मिलके इन्हें साढ़े कश्मीरिया बाइया की हदबंदी अंदर उन्हें जुल्मो ज्यादती की। और उस तो बाद 23 अगस्त 1947 अंदर वजीराबाद के मौलाना फजल लई वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह जो अहले हदीस के फरजंद सन उन्होंने कश्मीर अंदर जम्मू अंदर जिहाद कीता जिहड़ा अज आजाद कश्मीर है उदू आजाद होया। फिर जिहड़ा जवाहरलाल नेहरू सी इन्हें अक्वामे मुतहदा के अंदर जनाब 1948 अंदर रिट दायर की कि सानू मुसलमाना दे कोलो बचाओ और उदू इन्हां कश्मीरियां नू खुदारियत का हक मिलिया। और उदू जनाब इन्हां आजाद कश्मीर जिहड़ा वो आजाद होया। और उस तो बाद फिर अज तक वेख लो इन्हां कश्मीरियां दे उत्ते जुलम हो रहे ने ज़्यादतियां हो रही ने। वजह की है कि उन्हां दी इक्को ही गल है ला इलाहा पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह यही रौला है ना। अगर वो कहन मोदी सरकार नू कैसी तेरे मजहब नू मानने आ कोई ज़्यादती कर दे वाला जुलम कर दे नहीं करेगा। और वजीराबाद के दो शख्सियात हुई एक मौलाना फजल लाई वजीराबादी जिन्ना आजाद कश्मीर अंदर जिहाद कीता और एक वक्त का मुहद्दस गुजरे है मौलाना अब्दुल मनान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह। और कश्मीर अंदर आज भी जुल्मो ज़्यादतियां हो रही ने उन्होंने उन्होंने घर अंदर बंद कर दिया गया है। वो अपने जनाजे बेचारे उठान तो मजबूर ने अपने घर अंदर अपने प्यारियां नू दफन कर रहे ने। साडियां उन्हां मावां बहनां दियां इज्जतां महफूज नहीं। इसे सिलसिले के अंदर इंशाअल्लाह कल 5 फरवरी यौमे ज़हारे यकजहती कश्मीर के नाल इंशाअल्लाह साडी मरकजी मस्जिद के विचों सुबह 11 बजे इंशाअल्लाह रैली की शक्ल अंदर निकलनगे दोस्त अहबाब और उहदे अंदर सारे दोस्त अहबाब शामिल होवोगे इंशाअल्लाह। वादा करो सा इंशाअल्लाह शामिल होवोगे हाथ चुक के वादा करो इंशाअल्लाह शामिल होवोगे ना। और यार गल सुनो असी उन्हां दे नाल तावन भी नहीं कर सकते असी उन्हां दे नाल जाके लड़ भी नहीं सकते बज़ाहिर असी कमजोर हाँ और कमजोर भी हाँ तो बुज़दिल भी हाँ असी इन्हां ते कर सकने हैं ना उन्हां वास्ते दुआ कर सकने की ख्याल है उन्हां वास्ते दुआ कर सकने हैं। और वक्त की हुकूमत अगे और फौज के आला अफसरान अगे असी गुजारिश करने हैं कि अपने कश्मीरी मुसलमाना भाइयों का साथ दिता जाए उन्हां दे नाल वक्त के हुक्मरान भी तावन करन और साड़ी फौज भी तावन करे ताकि वो साड़िया मावा बहनों की इज्जत महफूज रहन। अल्लाह को दुआ है अल्लाह मैनू तुहानू सही माने अंदर किताब व सुन्नत अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।